हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि आप जब खांसते हैं और खांसी के साथ अगर ब्लड आता है तो इसके क्या कारण हो सकते हैं, क्योंकि ये समस्या काफ़ी गंभीर होती है और बहुत ऐसी खतरनाक बीमारियों का संकेत होता है खांसी के साथ ब्लड आना, जिससे कि आपकी जान भी जा सकती है। तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपको किस वजह से खांसी के साथ ब्लड आ रहा है। दोस्तों सबसे पहले कुछ चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे अगर आपको खांसी के साथ ब्लड आता है जिसको हेमोप्टाइसिस कहते हैं, और अगर आपको उल्टी के साथ ब्लड आता है जिसको हेमटमेसिस कहा जाता है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हेमोप्टाइसिस, मतलब खांसी के साथ ब्लड आने का। तो सबसे पहले इसमें क्या चेक करना है कि आपका जो गम्स हैं, जो आपके मसूड़े, उसमें कट तो नहीं लगा, या आपके मुंह में कहीं कट तो नहीं लगा जिसकी वजह से ब्लड आ रहा है, या फिर आपके नाक में कोई फुंसी तो नहीं हुई है, या कोई टाइप का इन्फेक्शन तो नहीं जिसकी वजह से ब्लड आ रहा है। तो ये सबसे पहले आपको चेक करना है। अगर ये सब नहीं है तो मैं बता देता हूँ आपको कौन सी बड़ी बीमारियाँ हो सकती हैं जिनकी वजह से आपके खांसी के साथ ब्लड आता है। तो उनमें जो सबसे पहले और सबसे कॉमनली जो देखा जाता है, जो ज़्यादातर 4 में से 3 व्यक्ति को होता है, वो होता है ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस का मतलब होता है टीबी। तो टीबी के इन्फेक्शन होने पर भी आपको ब्लड आ सकता है खांसी के साथ। इसके लक्षण कुछ होते हैं, जैसे कि आपको बुखार रहेगा, आपको रात में पसीना होगा, आपको ठंड लग सकती है, खांसी के साथ आपको ब्लड आ सकता है, और जब आप सांस लेंगे तो आपको सीने में दर्द होगा, आपका वजन घटता चला जाएगा, ये सब देखने को मिलता है। दूसरा जो आपका मेजर रीजन है खांसी के साथ ब्लड आने का, वो आपका होता है ब्रोंकियोएक्टेसिस। और तीसरा जो आपका मेन होता है, वो होता है आपका ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस में भी देखा जाता है कि आपके मुंह से ब्लड आ सकता है। इसमें क्या होता है कि जब आप सांस लेते हैं, जो हवा होती है वो आपकी ब्रोंकियोल, जो जिसमें जाके हवा भरती है, उसमें सूजन आ जाता है, फिर उसमें कई बार बलगम जमा हो जाता है या उसमें सूजन आ जाता है। तो इस केस में भी आप जब खांसेंगे तो आपके साथ मुँह के साथ ब्लड आ सकता है खांसी के साथ। आपका जो फोर्थ नंबर पे आता है वो होता है ट्रॉमा या इंजरी। मतलब अगर आपको चोट लग गई है, आपको किसी प्रकार का इंजरी हो गया है, जैसे पसली टूट गई या फिर अंदरूनी चोट लग गई है, ब्लीडिंग हो गई है, तो इसमें भी जब आप खांसेंगे तो ब्लड आ सकता है। पांचवा जो आपका होता है वो होता है लंग कैंसर। कई बार हमारे फेफड़े में कैंसर हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता है। तो लंग कैंसर की केसेस में भी देखा जाता है कि आप जब खांसेंगे तो आपके मुंह से ब्लड आ सकता है। और आपका जो सबसे ज़्यादा कॉमनली देखा जाता है वो होता है एक्यूट इन्फेक्शन या फिर सिंपल इन्फेक्शन। तो ये सिंपल इन्फेक्शन की वजह से भी आ सकता है कई बार, बट आपको ये कंसर्न रखना होगा, आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको जांच करवाना होगा कि आखिर आपको ये क्यों हो रहा है। क्योंकि अगर आपने जांच नहीं करवाया तो हो सकता है ये इन सभी बीमारियों में से कोई एक बड़ी बीमारी आपको हो सकती है। बात करें कौन कौन सी आप जांचें करवा सकते हैं इसको क्लियर करने के लिए, कौन कौन सी जांचें डॉक्टर्स करवाते हैं। मोस्ट कॉमनली जो डॉक्टर करवाते हैं वो आपका होता है एक्सरे। तो एक्सरे बेसिकली आपका चेस्ट का भी होता है, पूरे बॉडी पार्ट का होता है। तो बेसिकली जो सबसे ज़्यादा करवाया जाता है वो होता है आपका एक्सरे जो होता है वो चेस्ट का होता है, मतलब आपके सीने का एक्सरे होता है। तो चेस्ट एक्सरे में क्लियरली देखा जाता है कि आपको लंग कैंसर है, कहीं पे दिखा रहा है कि जिसे डेंस टिश्यू है, या फिर कहीं पे वो टीबी का जो इन्फेक्शन वो दिखा रहा है, या फिर पानी नीचे भरा हुआ है, निमोनिया का दिक्कत है, ये सब दिखाता है। क्योंकि निमोनिया से भी कई बार खांसते हैं तो आपके मुँह के साथ ब्लड आ सकता है। तो ये तो एक तो हो गया एक्सरे। दूसरा आपका होता है सीटी स्कैन। तो सीटी स्कैन भी करवा, जब एक्सरे से कोई चीज़ क्लियर नहीं होती है तो आप सीटी स्कैन करवा सकते हैं। तीसरा जो होता है वो आपका ब्लड टेस्ट होता है, सीबीसी। कई बार कंप्लीट ब्लड टेस्ट करवाया जाता है। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो WBC होती हैं वो अगर ज़्यादा बढ़ी हुई होती हैं तो इससे क्या लगता है कि आपके बॉडी में इन्फेक्शन है, आपका जो बॉडी है वो उसके खिलाफ में काम कर रहा है, जिसकी वजह से WBC की संख्या बड़ी होती है, या फिर WBC बहुत ज़्यादा घट जाती है। तो इससे भी ये समझा जाता है कि आपके बॉडी में इन्फेक्शन जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। और इसके साथ में कुछ और भी जांचें होती हैं, जैसे कि एक जांच होती है आपकी क्लॉटिंग स्क्रीनिंग। तो इसमें ये पता लगाया जाता है कहीं आपके बॉडी में कोई ऐसा फैक्टर तो नहीं है जिसकी वजह से आपका ब्लड नहीं जम पा रहा है और आपको खांसी के साथ ब्लड आ रहा है। दोस्तों और एक जांच करवाई जाती है CTPS, सीटी पल्मोनरी एंजियोग्राम। बेसिकली ये इसलिए करवाई जाती है जब कभी पल्मोनरी एम्बोलिज्म का शक होता है कि पल्मोनरी में किसी तरीके का एम्बोलिज्म है या किसी तरीके का ब्लड क्लॉट है, उसको जांच करने के लिए करवाया जाता है।
दोस्तों और एक जांच होती है लेफ्ट वेंट्रिकुलर फ्लूइड जिसको कि LVF कहते हैं, इसकी जांच होती है। और लंग कैंसर और ब्लड कैंसर का भी टेस्ट किया जाता है, कहीं लंग कैंसर या ब्लड कैंसर की वजह से तो ब्लड नहीं आ रहा है, तो ये सारी इसकी जांचें होती हैं। दोस्तों बात करें ट्रीटमेंट कैसे करना है, तो ट्रीटमेंट में बेसिकली आपको उसको मुँह के बल नहीं लिटाना है कि ताकि ब्लड उसको मुँह से कम आए। और दूसरी जो बात है वो है आपको ट्रेनेक्सा का इंजेक्शन दिया जाता है या फिर टेबलेट दिया जाता है, वो डॉक्टर अपने हिसाब से देते हैं। अगर जनरली तो टेबलेट देते हैं ट्रेनेक्सा 500 जिसमें कि ट्रेनेक्सामिक एसिड 500 mg में पाया जाता है, उसको दिया जाता है सुबह शाम या सुबह दोपहर शाम, डॉक्टर अपने हिसाब से उसको प्रेस्क्राइब करते हैं। साथ में अगर जो आपको प्रॉब्लम है उसके लिए एंटीबायोटिक भी प्रेस्क्राइब करते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।